दोस्तों, आजमगढ़ की हिस्ट्री और वहाँ की ग्रेट पर्सनालिटीज पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आजमगढ़ के स्कूल, कॉलेज, मदरसे, हॉस्पिटल्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, घूमने फिरने की जगहें, मौसम और आजमगढ़ की खसूसियात पर बात करेंगे। तालीमी निज़ाम यानी एजुकेशन सिस्टम। आजमगढ़ में कई मशहूर तालीमी इदारे हैं, जिनमें मदरसे, स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। इन तमाम इदारों में अच्छी तालीम दी जाती है। मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी एहतमाम किया जाता है, जहां तलबा को कुरान, हदीस और फ़िक्र के साथ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, कंप्यूटर और साइंस की भी तालीम दी जाती है। स्कूल बच्चों की सलाहियत को निखारने और उन्हें सैकल करने का काम करते हैं। वहीं कॉलेजों में मुख्तलिफ कोर्सेज मौजूद हैं, जिसे मुकम्मल करके तलबा अपने मुस्तकबिल को मज़ीद संवार सकते हैं। आजमगढ़ में कई मशहूर कॉलेज भी हैं, जिनका मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से इलहाक है। शिबली नेशनल कॉलेज। शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के फाउंडर अल्लामा शिबली नुमानी हैं। उन्होंने सन 1883 ईस्वी में इसकी शुरुआत एक नेशनल स्कूल के तौर पर की थी। सन 1887 ईस्वी में यह नेशनल स्कूल मिडल स्कूल बन गया और सन 1895 ईस्वी में हाई स्कूल। सन 1942 ईस्वी में इसे इंटरमीडिएट कॉलेज का दर्जा मिल गया और सन 1946 ईस्वी में इसे डिग्री कॉलेज का दर्जा मिला। शुरू में ये कॉलेज आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएट था, लेकिन जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी कायम की गई तो सन 1956 ईस्वी में ये कॉलेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो गया। सन 1988 ईस्वी में इसे VBS यानी वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी पूर्वांचल से एफिलिएट कर दिया गया। शिबली नेशनल कॉलेज में साइंस, आर्ट, कॉमर्स, लॉ और एजुकेशन की फैकल्टीज़ हैं। इसके अलावा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, माँ बुद्धा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, बाबा विश्वनाथ महाविद्यालय, DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपानपुर, फार्मेसी कॉलेज, डेंटल कॉलेज सविता बाई फूले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पंडित त्रिपुरारी मिश्रा आदर्श फार्मेसी कॉलेज, बाबा रामनाथ उत्कर्ष फार्मेसी कॉलेज, MSD पॉलिटेक्निक कॉलेज और श्री काशी चंद्र देव पॉलिटेक्निक काफ़ी अहम हैं। आजमगढ़ में BCO ऐसे स्कूल हैं जिनका तालीमी निज़ाम बहुत उम्दा है और वहां के तलबा इंतहाई होनहार हैं। चिल्ड्रेन स्कूल आजमगढ़।
आजमगढ़ का ये स्कूल हिंदुस्तान के मशहूर स्कूलों में से एक है। ये स्कूल अरसे दराज से CISCE यानी काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से मंजूर शुदा है। ज्योति निकेतन स्कूल आजमगढ़, ये माइनॉरिटीज़ का एक तालीमी अदारा है जो सन 1971 में कायम किया गया था। इस अदारे का इंतज़ाम और इंसराम वाराणसी के रोमन कैथोलिक किया करते थे। यहाँ बच्चों की तालीम का उम्दा इंतज़ाम है। SSJ यानी श्री शंकर जी इंटर कॉलेज पुष्पनगर। इस स्कूल का इल्हाक UP स्टेट बोर्ड से है। यहाँ तमाम मजामीन की तालीम हिंदी ज़ुबान के तवसुत से दी जाती है। इकरा पब्लिक स्कूल फूलपुर, इस स्कूल का इल्हाक CBSE बोर्ड दिल्ली से है। यहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल चेक पोस्ट आजमगढ़, इस स्कूल का इल्हाक भी CBSE बोर्ड दिल्ली से है। यहाँ ज़रिए तालीम अंग्रेज़ी ज़ुबान है। इन स्कूलों के अलावा आजमगढ़ में और भी बहुत से स्कूल हैं जिनका तालीमी निज़ाम इंतहाई अच्छा है और लोग इनकी खिदमात से वाकिफ़ हैं। मसलन फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, न्यू कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरा पब्लिक स्कूल, BIC इंटर कॉलेज, न्याज नेशनल स्कूल, हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम जूनियर हाई स्कूल, मुमताज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, ईशान पब्लिक स्कूल, सेंट तुलसी ग्लोबल स्कूल, अशरफिया कॉन्वेंट स्कूल, SKD विद्या मंदिर, श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल, सेंट्रल पब्लिक एकेडमी, अनवार पब्लिक स्कूल, जवाहर नवविद्या विद्यालय, सेंट जोसेफ स्कूल, आनंद मेमोरियल एकेडमी, शिबली नेशनल स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मॉडर्न एरा हायर सेकेंडरी स्कूल, मार्टिनगंज इंटर कॉलेज, न्यू मॉडर्न तिलकधारी इंटर कॉलेज, माँ दुर्गावती पब्लिक स्कूल, KV इंटर कॉलेज, महर्षि अरविंद पब्लिक स्कूल, अल्लामा इकबाल निस्वा स्कूल, फातिमा गर्ल्स स्कूल, हुदा पब्लिक स्कूल, उस्मानिया स्कूल, कन्या पाठशाला, इस्लामिक स्कूल ऑफ अलीगढ़, निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज और न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वगैरह। मदरसतुल इस्लाह। मदरसतुल इस्लाह आजमगढ़ के इलाके सराय मीर में इस्लामी तालीम का एक अदारा है। ये अदारा मशरिकी और इस्लामी उलूम का एक मशहूर मरकज़ है। इसका आगाज़ मौलाना मोहम्मद शफ़ी ने सन 1908 ईस्वी में किया। मदरसे का संग बुनियाद सैयद असगर हुसैन देवबंदी ने रखा। नामवर मौर्रिख, माहिर तालीम और माहिर आलिम दीन अल्लामा शिबली नोमानी इसके सरपरस्त थे। इस मदरसे ने बहुत से जय्यद उलमाए दीन को तैयार किया, जिनमें हमीदुद्दीन फराही, अमीन अहसन इस्लाही, अख्तर अहसन इस्लाही, मोहम्मद यूसुफ इस्लाही, सदरुद्दीन इस्लाही, नजमुद्दीन इस्लाही, इश्तियाक अहमद जिल्ली, शरफुद्दीन इस्लाही, प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही, मोहम्मद अजमल अयूब इस्लाही, यूसुफ इस्लाही, वहीदुद्दीन खान, प्रोफेसर अब्दुल अजीम इस्लाही, प्रोफेसर जफरुल इस्लाम इस्लाही, सफदर सुल्तान इस्लाही और सुल्तान अहमद इस्लाही वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम। मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम आजमगढ़ के इलाके सराय मीर में इस्लामी तालीम का एक अहम अदारा है। मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी ने सन 1930 ईस्वी में मदरसे की बुनियाद डाली। इफ्ता अरबी अदब, दौरे हदीस शरीफ अरबी व फारसी, तहफीज़ुल कुरान, तस्हीहुल कुरान, तजवीद व क़िरात, शोबे प्राइमरी, किताबत और खिताबत मदरसे के तालीमी शोबे हैं। मदरसे की नामवर शख्सियात में मौलाना अब्दुल हक साहब आज़मी, मुफ्ती मंजूर अहमद साहब, मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब, मौलाना इफ्तिखार अहमद, मौलाना हबीबुर रहमान साहब और कारी अबुल हसन साहब वगैरह काबिले ज़िक्र हैं। जामियतुल फलाह। जामियतुल फलाह आजमगढ़ के इलाके बिलरियागंज में इस्लामी तालीम का एक ख़ास अदारा है। तलबा को उलूम दीनिया और असरी उलूम से बहरावर करने के लिए सन 1962 ईस्वी में जामियतुल फलाह का क़याम अमल में आया। मदरसे में अलाहदा तौर पर लड़कियों की तालीम का भी इंतज़ाम है। अलजामिया अल अशरफिया। अलजामिया अल अशरफिया का पुराना नाम दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम है। ये मदरसा आजमगढ़ के इलाके मुबारकपुर में कायम है। इस इदारे के फारिगुत तहसील उलमा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में तदरीसी, तंजीमी और दावती खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मदरसे के फारिगीन में मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हकम जदी, मुफ्ती मोहम्मद वक़ारुद्दीन, मुफ्ती जफ़र अली नुमानी, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, अल्लामा अब्दुर्रऊफ़, अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही, मुफ्ती नाजिम अली मिसबाही और कारी रज़ाउल मुस्तफ़ा वगैरह अहमियत के हामिल हैं। इन मदारिस के अलावा
اصلاح البنات، جامعہ الرشاد، جامعہ شرعیہ فیض العلوم، جامعہ اسلامیہ علوم القرآن، جامعہ عربیہ عین الاسلام، مدرسہ اشاعت العلوم، مدرسہ عزیز العلوم، مدرسہ نسواں عزیز البنات، مدرسہ انوار القرآن، مدرسہ تنظیم العلوم، اسلامیہ مدرسہ، مدرسہ چشتیہ نسواں، مدرسہ اسلامیہ ملک، مدرسہ جامعہ اسلامیہ، منبع العلوم اور مدرسۃ الاسرار وغیرہ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ دار المصنفین شبلی اکیڈمی، مولانا بوالکلام آزاد کے انقلابی اور کرانتی کاری اخبار الہلال میں شبلی اکیڈمی کا خاکہ سن 1912 عیسوی اور سن 1913 عیسوی ہی سے پیش کیا جا رہا تھا۔ سن 1910 عیسوی میں ندوۃ العلماء کے ایک جلسے میں علامہ شبلی نے دار المصنفین بنانے کی بات کہی تھی اور اپنی زمین بھی وقف کر کے اس پر دار المصنفین کی بنیاد رکھ دی تھی، لیکن سن 1914 عیسوی میں علامہ شبلی کے انتقال کے 3 دن بعد علامہ حمید الدین فراہی، سید سلیمان ندوی، مولانا سید مسعود علی اور مولانا عبدالسلام ندوی وغیرہ کی کوششوں سے شبلی اکیڈمی وجود میں آئی۔ شبلی اکیڈمی نے آزادی کی لڑائی میں ایک اہم رول ادا کیا۔ اس وقت کی سیاست میں شبلی اکیڈمی ایک بڑے مرکز کا کردار نبھا رہی تھی، جہاں مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، موتی لال نہرو، مدن موہن مالویہ اور وہ تمام بڑے لوگ آتے رہے جنہوں نے ہمارے ملک کو آزادی دلائی۔ شبلی اکیڈمی کی لائبریری ایشیا میں اسلامک اسٹڈیز کے اعتبار سے سب سے بڑی لائبریریوں میں شمار کی جاتی ہے، جہاں تقریباً 1.5 لاکھ کتابیں اور 700 مینو اسکرپٹس ہیں۔ یہاں مہاتما گاندھی، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، راجیندر پرساد اور شاستری جی کے اردو میں لکھے ہوئے خطوط آج بھی موجود ہیں۔ اعظم گڑھ کے ہاسپیٹلز، پی آئی جی ہاسپیٹل یعنی راجکیہ میڈیکل کالج اینڈ سپر فیسلٹی ہاسپیٹل چکرپان پور اعظم گڑھ۔ یہ اعظم گڑھ کا ایک سرکاری اسپتال اور میڈیکل کالج ہے، جہاں مریضوں کے لیے بہترین سہولیات مہیا ہیں۔ راجکیہ شری درگا جی ہومیوپیتھک میڈیکل کالج و اسپتال چنڈیشور اعظم گڑھ۔ اعظم گڑھ کا یہ اسپتال ہومیوپیتھک دواؤں کا ایک بڑا اسپتال ہے، جہاں ہومیوپیتھک دواؤں کی مدد سے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس اسپتال کا اپنا ایک ہومیوپیتھک میڈیکل کالج بھی ہے۔ رما ہاسپیٹل اینڈ ٹراما سینٹر، اعظم گڑھ کا یہ اسپتال ایک بہترین اور سویدھا فل اسپتال ہے، جہاں مریضوں کے علاج کے لیے مختلف مشینری سہولیات دستیاب ہیں، جن کی مدد سے بیماری کا پتہ لگانا اور علاج کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ونائک ہاسپیٹل ہارٹ کیئر سینٹر شانتی نگر اعظم گڑھ، اعظم گڑھ کا یہ اسپتال دل کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس اسپتال میں مریضوں کا پورا خیال رکھتے ہوئے ان کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ لوٹس ہاسپیٹل، یہ ایک ملٹی سپر اسپیشلٹی ایڈوانس ٹراما کیئر اسپتال ہے۔ اس اسپتال کے ڈاکٹر کافی اچھے اور اسٹاف کافی عمدہ ہے، یہاں ہر طرح کے امراض اور زخموں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ویدانتا ہاسپیٹل بلریا گنج روڈ لچھرام پور اعظم گڑھ، اعظم گڑھ کے اس اسپتال میں ہر طرح کی بیماری کا علاج تجربہ کار ڈاکٹروں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس ہاسپیٹل کا اپنا ایک نرسنگ اسکول بھی ہے۔ لائف لائن ہاسپیٹل اینڈ ریسرچ سینٹر، اعظم گڑھ کا یہ اسپتال پوروانچل کے بہترین اسپتالوں میں سے ایک ہے، جہاں مختلف طرح کے آپریشن اور سرجری ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ طاہر میموریل ہاسپیٹل اینڈ ٹراما سینٹر پھول پور اعظم گڑھ، پھول پور اعظم گڑھ کے اس اسپتال میں ڈاکٹری کے نئے مشینری آلات موجود ہیں، جن کی مدد سے مریضوں کا بہتر علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع اعظم گڑھ میں سینکڑوں ایسے اسپتال اور دواخانے ہیں، جہاں علاج معالجے کی بہترین سہولیات موجود ہیں۔ سیر و سیاحت کے حوالے سے تو پورا کا پورا اعظم گڑھ ہی سیر کرنے اور دیدار کرنے کے قابل ہے۔ یہاں کے فطری مناظر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشیں گے اور دل کو سکون۔ ترنگا پارک، ترنگا پارک اعظم گڑھ نرولی میں واقع ہے۔ یہ پارک تمسا ندی کے قریب ہے۔ اس پارک میں موجود ترنگے کی اونچائی تقریباً 100 فٹ ہے۔ یہ ایک خوبصورت پارک ہے، جہاں دور دور سے لوگ گھومنے آتے ہیں۔ نظام آباد، نظام آباد اعظم گڑھ شہر سے 10 کلومیٹر پشچم میں واقع ہے۔ نظام آباد مٹی کے برتنوں کے لیے مشہور ہے۔ اس علاقے نے اپنی تہذیب اور ہندوستانیت کو پوری طرح اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے۔ مٹی کے کالے برتنوں کو خریدنے کے لیے لوگ دور دور سے یہاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ آزا واٹر پارک، یہ واٹر پارک اعظم گڑھ کے بائی پاس روڈ کے قریب ہے، جو سیر و سیاحت کا ایک مقام ہے۔
ये वाटर पार्क आजमगढ़ ज़िला का एक मशहूर वाटर पार्क है जहाँ गर्मी के मौसम में काफ़ी भीड़ होती है। दुर्वासा धाम। दुर्वासा धाम आजमगढ़ की फूलपुर तहसील से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। दुर्वासा हिंदुओं के एक अजीम ऋषि थे जिनके नाम पर इस जगह का नाम दुर्वासा पड़ा। यहाँ का दुर्वासा ऋषि आश्रम काफ़ी मशहूर है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यहाँ एक बहुत बड़े मेले का अहतमाम किया जाता है। यहाँ हजारों लोग ज्यारत के लिए आते रहते हैं। अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी आजमगढ़ की एक मशहूर जगह है जो मोहम्मदपुर में वाक़ है। यहाँ एक मंदिर भी है जो काफ़ी मशहूर है। दूर दूर से लोग ज्यारत के लिए यहाँ आते रहते हैं। छाऊँ मस्जिद। छाऊँ गांव आजमगढ़ शहर से 40 किलोमीटर दूर कस्बा सरायमीर के करीब वाक़ है। यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद है जो पूर्वांचल की खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान है। इस मस्जिद की तामीर में 6 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस मस्जिद को देखने के बाद आप बेख्तियार सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कह उठेंगे। मेहनगर। मेहनगर में एक मशहूर किला है जो आजमगढ़ शहर से 36 किलोमीटर दूर है। इस किले को राजा हरिबन ने बनवाया था। ये एक तारीखी मकाम है जिसकी सैर करने लोग यहाँ आते रहते हैं। अगर यहाँ के मौसम की बात की जाए तो यहाँ मार्च के आखिर से जून तक गर्मी का मौसम रहता है जिसमें टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसके बाद मानसून का सीज़न आ जाता है जो आखिर जून से सितंबर तक रहता है। मानसून के बाद बहार का मौसम सितंबर अक्टूबर में आता है। ये मौसम न गर्म होता है न सर्द। इस मौसम में फूल खिलते हैं और दरख्तों पर नए नए पत्ते आते हैं। बहार के बाद सर्दी का मौसम आता है जो नवंबर के आखिर से फरवरी तक रहता है। सर्दियों में टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तरह आजमगढ़ में कुल 4 मौसम होते हैं। आप कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में यही 4 मौसम होते हैं। आजमगढ़ की ज़मीन उपजाऊ और जरखेज़ है। यहाँ की आबो हवा भी बहुत उम्दा है। गेहूँ धान और गन्ना यहाँ की खास फसलें हैं। इसके अलावा चना मटर अरहर मकई सरसों सूरजमुखी और मुख्तलिफ सब्जियों की पैदावार भी अच्छी होती है। यहाँ के ज़्यादातर लोग किसान ही हैं जिनकी ज़िंदगी का दारोमदार खेती बाड़ी पर है। कुछ लोगों का अपना बिजनेस है जिसमें मछली पालन पोल्ट्री फार्म आम के बागात कपड़े का कारोबार वगैरह काफ़ी अहम है और कुछ खलीज ममालिक में मुलाजमत करते हैं। आजमगढ़ के लोगों को नेचर से करीब रहना और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद है। उन्हें मशीनों पर कम और अपने लोगों पर ज़्यादा भरोसा होता है। उनके यहाँ शादी ब्याह में वेटर नहीं आते बल्कि घर खानदान और पास पड़ोस के लोग मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आपको समाज इंसानियत और भाईचारे की मिसाल देखनी है तो आप एक दफ़ा आजमगढ़ ज़रूर आएँ। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और आजमगढ़ उस दिल की धड़कन, क्योंकि आजमगढ़ में हिंदुस्तान की रूह बसती है। भरपूर हिंदुस्तानीपन आजमगढ़ और वहाँ के लोगों में देखा जा सकता है। यहाँ के लोग अपनी मिट्टी से इतना जुड़े हुए हैं कि अपनी मिट्टी ही से फसलें उगाते हैं, अपनी मिट्टी के बने बर्तन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के बच्चे भी अपनी मिट्टी के बने खिलौने खेलकर बड़े होते हैं और अपनी मिट्टी अपने मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मौत के बाद इसी मिट्टी में शान से सो जाते हैं। आजमगढ़ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है जहां हर मजहब के लोग भाई की तरह मिलजुल कर रहते हैं, जहां मजहब की बुनियाद पर कोई फसाद नहीं होता, जहां इंसानियत और मानवता ही को सबसे बड़ा धर्म समझा जाता है। आजमगढ़ को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। उसे आतंकगढ़ और दहशतगर्दी का अड्डा तक कहा गया, लेकिन इस इल्ज़ाम ने आजमगढ़ को मजीद मजबूत किया। यहाँ के लोग इस झूठे इल्ज़ाम का मुंहतोड़ जवाब देते हुए तरक्की की तरफ बढ़ते रहे। आजमगढ़ आतंकगढ़ नहीं बल्कि अमन आश्ती का गढ़ है, दहशतगर्दी का अड्डा नहीं बल्कि देशभक्ति और देशभक्तों का अड्डा है।